नमस्ते एंड हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल सुजाता एसोसिएट्स। मैं हूं नमिता एंड आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं सीएसआर फ्रॉड या स्कैम के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो फिर आपको इस तरीके का और भी वीडियो मिलेगा। तो सीएसआर फंड किस तरीके से लिया जाता है एंड किस तरीके से स्कैम किया जाता है। दोस्तों, सीएसआर के बारे में आप लोग को पता होगा, स्पेशली जो लोग एनजीओ चलाते हैं या कोई नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं उनको पता होगा सीएसआर फंड क्या होता है। फिर भी मैं इन शॉर्ट आपको ब्रीफ कर देती हूँ। सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है दोस्तों मार्केट में, उसका सालाना जो प्रॉफिट रहता है उसका 2% कोई चैरिटी वर्क्स या एक्टिविटीज में दिखाना पड़ता है। तो बेसिकली किस तरीके से ये किया जाता है, कोई भी सीएसआर फंड के लिए आपको सीएसआर 1 रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एमसीए के थ्रू। उसके बाद कोई एनजीओ सीएसआर फंड लेने के लिए एलिजिबल होता है। और ये जो फंड होता है ये बेसिकली एनजीओ को दिया जाता है ताकि ये कोई चैरिटी वर्क्स में वो दिखा पाए। बहुत सारी कंपनीज ऐसा भी करते हैं दोस्तों कि खुद ही कोई एनजीओ खोल लेते हैं या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खोल लेते हैं, तो अपना 2% जो रहता है वो अपना एनजीओ में दिखा देते हैं। और बहुत सारी कंपनीज ऐसा भी होता है दोस्तों जो अपना 2% कोई पर्टिकुलर ट्रस्ट या एनजीओ को सीएसआर फंड के तौर पे देते हैं चैरिटी एक्टिविटीज करने के लिए। तो यही पे आता है मेन मुद्दा कि अगर कोई सीएसआर फंड ऐसे लेते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो ये एक क्राइम है। तो बात करते हैं सीएसआर क्राइम के ऊपर या जो स्कैम होता है वो कैसे किया जाता है। मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा कि जो सीएसआर फंड कोई कंपनी कोई एनजीओ को अगर मिलता है तो ऐसा एक स्कीम होता है या ऐसा ये लोग का टेक्निक होता है कि कुछ कमीशन ये एनजीओ रख के बाकी का जो फंड रहता है वो उसी कंपनी को फिर कैश में रिटर्न कर देते हैं। तो ये एक फ्रॉड है। ये वाला फ्रॉड आप सभी को पता है, मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन जो पता नहीं है जिसके बारे में मैं आपको अवॉइड करना चाहती हूँ वो ये है कि आज के डेट में या नाउ डेज बहुत सारे कॉल सेंटर से आपके पास कॉल आता है, आपका जिन लोग के पास एनजीओ है उनके पास कॉल आता है एंड बोला जाता है क्या आपको सीएसआर फंड की रिक्वायरमेंट है। अब ये बताइए दोस्तों, जो लोगों के पास एनजीओ है उन लोगों को डेफिनेटली फंड की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज वो अपना एनजीओ का जो भी डेवलपमेंट का काम है या सोशल वर्क है वो कैसे करेंगे। तो एक एनजीओ तो फंड के ऊपर ही चलता है बेस करके। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, अगर कोई आपको ऑफर देता है कि सीएसआर फंड आपको मिल सकता है, कि आपको रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली आप तो जानना चाहते हैं इनका डिटेल में क्या डिटेल्स है। तो फिर आपको पता चलता है कि वो जो कंपनी आपको कॉल करती है वो बेसिकली एक कंसल्टेंसी होता है जो मीडिएटर का काम करता है, जो वो कंपनी से जाके 2% फंड आपके लिए अप्लाई करके वो आपको लेके देते हैं एंड इसके बदले में वो चार्ज करते हैं। तो ये चार्ज किस तरीके से करते हैं, चार्ज ऐसा किया जाता है, फर्स्ट आपके पास कॉल आता है, आपको कन्वेंस किया जाता है, आपको ये समझाया जाता है या प्रूफ किया जाता है कि जहां से वो कॉल आया है वो कंसल्टेंसी बहुत जेन्युइन है, बहुत ही सही तरीके से काम करते हैं, इस तरीके का डिटेल आपको समझाया जाता है। अब ये फंड का सिस्टम या प्रोसेस क्या रहता है, ये लोग आपको बोलते हैं कि आपको एक ऐसा कंपनी है जो भी हमारे देश में अभी लिस्टेड कंपनीज है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन वो जो लोग है फंड देते हैं वो सब कंपनी का नाम यूज किया जाता है। करने के बाद आपका कंपनी का या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ सेक्शन 8 ट्रस्ट सोसाइटी जो है उसका डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्यूमेंट, एनजीओ का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, फिर एनजीओ में जो गवर्नमेंट बॉडी में जो मेंबर्स है रजिस्टर्ड किए हुआ उन लोगों का केवाईसी डॉक्यूमेंट, 12A डॉक्यूमेंट, 8TG डॉक्यूमेंट, नीति आयोग डॉक्यूमेंट, ये सारा डॉक्यूमेंट आपसे मांग लिया जाता है। एंड इनका फंड देने का स्कीम क्या रहता है, फर्स्ट ये लोग आपको बोल देंगे कि इतना अच्छा अमाउंट का ऑफर आपको मिलेगा, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, इस तरीके का ये लोग करोड़ों में बात करते हैं। और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर 1 करोड़ का भी फंड आपको मिल जाए तो वो आपको लगेगा कि ये बहुत है, आप इससे जो है अपना चैरिटी वर्क्स या आपका सोशल वर्क्स आप बहुत अच्छे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इस फंड को यूज कर सकते हैं।
तो ये आपको फील होता है दोस्तों, लेकिन जो ये बात बोलता है उसके बाद आता है इन लोग का मेन क्राइटेरिया जो है कि इनको फंड चाहिए। वो कितना चाहिए? ये लोग आपका डॉक्यूमेंट्स लेने के साथ साथ ही आपको 5 लाख 10 लाख इस तरीके का फंड ये लोग आपसे मांगते हैं। और ये कब मांगते हैं? जब आपका डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं उसी टाइम मांग लेते हैं, एंड उसके बाद जाके इन लोग बोलते हैं कि आपका जो फंड है वो अप्रूव जैसे ही हो जाएगा आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ जो मेरे क्लाइंट के साथ ऑलरेडी हो चुका है। या इनके पास, मेरे क्लाइंट के पास भी एक सेक्शन 8 टाइप का एनजीओ था, तो वो भी बहुत दिन से फंड ढूंढ रहे थे। उनको कंप्लीटली हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, हेल्थ सेक्टर के ऊपर, तो उनको लगा कि सीएसआर फंड अगर उनको मिल जाएगा तो वो जो हेल्थ सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं उनको और भी अच्छे तरीके से वो डेवलप कर पाएंगे। तो यही होप लेके उनके वो सीएसआर फंड के लिए अप्लाई किए थे। वो खुद से कांटेक्ट नहीं किए थे, दिल्ली से उनके पास कॉल आया था। मेरे क्लाइंट कोलकाता में रहते हैं, तो दिल्ली से कॉल आया कोलकाता में, उनसे सारा डॉक्यूमेंट लिया गया। तो मेरे जो क्लाइंट थे वो थोड़े वेल एडुकेटेड प्रोफाइल है, तो उनको लगा कि ये स्कैम भी हो सकता है, तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट के तौर पे उनसे मांगा, तो वो एग्रीमेंट उनको प्रोवाइड किए हैं जो पर्टिकुलरली वो कंसल्टेंसी के साथ ये एनजीओ का था। एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करके उनको भेजा गया है जहाँ पे बहुत सारे नॉर्म्स या टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन है दोस्तों। वो कोई भी आप अगर चाहते हो गूगल से भी वो एग्रीमेंट बना सकते हो। बहुत ही ईजी एक एग्रीमेंट था, वो खाली ड्राफ्टेड वर्ड फाइल में उनको भेजा गया है और वो सारा क्लॉज पढ़ चुके हैं, पढ़ के साइन करके उसको भेज दिए हैं। तो यही उनको दिलासा दिया कि आप ये एग्रीमेंट रखो। एक एग्रीमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, हम आपसे जो एडवांस मनी लेंगे, एंड दोस्तों वो एडवांस मनी था 10 लाख का, वो एडवांस मनी था 10 लाख का, एंड सीएसआर प्रॉमिस्ड फंड था 10 CR का, 10 करोड़ का फंड देने का ये बात किए थे। और इसे वो 10 लाख रुपया लिया है, और पता है क्या बोला है कि आप अगर 10 करोड़ फंड आपको मिलेगा तो आपको तो इतना तो 10 लाख तक तो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। और अगर आपका फंड अप्रूव होता है, अगर हम आपको फंड दिला देते हैं आपका डॉक्यूमेंट के आधार पे, अगर आपको फंड आपको मिल जाता है तो फिर उसके बाद हमको और 10 लाख आपको देना पड़ेगा। तो ये था इनका स्कैम आइडिया कम्प्लीटली। तो सबसे पहले एक फेक एग्रीमेंट जो वर्ड फाइल था कम्प्लीटली कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर या लीगल स्टैम्प पेपर के ऊपर वो एग्रीमेंट नोटराइज नहीं था। तो ऐसे एक फेक एग्रीमेंट या एक फर्जी एग्रीमेंट आप बता सकते हैं। इस एग्रीमेंट को देके दिलासा दे दिया, होप दिला दिया कि ये हम जेन्युइन है, देखिए एग्रीमेंट करके हम पैसा लेते हैं। तो क्लाइंट को भी लगा हाँ भाई जेन्युइन हो सकते हैं, तो क्लाइंट तो पेमेंट कर दिए। उसके बाद से ना कॉल वो लोग रिसीव करते हैं, ना उन लोग का ऑफिस ट्रेस कर दिया जाता है, कुछ भी आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं। हमारे क्लाइंट जब ये रिपोर्ट लिखवाने गए तो क्या इन्फॉर्मेशन देंगे? वो एग्रीमेंट पे जो एड्रेस था वो गलत था, जो नेम लिखा हुआ था वो गलत था, कुछ भी सही नहीं था दोस्तों। तो जो सही था वो था मेरे क्लाइंट का 10 लाख रुपया जो कम्प्लीटली स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, ठगी हो गया। तो इस तरीके से ये सिस्टम होता है दोस्तों। आपके पास कॉल आता है, आपको अप्रोच किया जाता है, हम लोग सीएसआर फंड देंगे, ये देंगे, वो देंगे, इस तरीके से बड़ा बड़ा अमाउंट का ऑफर देने के बाद आपको जब वो लोग ट्रैप में फंसा लेते हैं, उसके बाद आपसे एक एडवांस मनी ये लोग लेते हैं कि इतना बड़ा फंड अगर आपको मिलेगा तो इतना छोटा सा अमाउंट आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आपसे फंड लेते हैं, लेने के बाद ये लोग गायब हो जाते हैं। फिर आप जितना भी कांटेक्ट करो, जितना भी कोशिश कर लो, आप इन लोग को ट्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन लोग का जो फोन नंबर भी ये लोग यूज करते हैं अलग अलग सैटेलाइट से है, तो आप ट्रेस भी नहीं कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जो आपका लॉस होता है वो आपका जो फंड आप एनजीओ में लगा सकते थे वो फंड भी आपका चला जाता है। तो इस तरीके से ये सीएसआर फंड देने के नाम से बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम यूज करके, कॉलिंग करके, फेक कॉल सेंटर के जरिए आपसे ये फंड लिया जाता है। मैक्सिमम टाइम मैंने बताया कि ये लोग फेक एग्रीमेंट भी प्रोवाइड करते हैं आपको कंफर्मेशन दिलाने के लिए कि ये लोग जेन्युइन है, लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली ये लोग जेन्युइन नहीं है। और अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई कॉल्स आता है दोस्तों, प्लीज उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि एक चीज आप याद रखिए, सीएसआर फंड ऐसे कभी भी नहीं मिलता है। तो कोई भी आपको कॉल करके दिला देंगे, ये करा देंगे, ब्रोकरेज लेंगे, ये इस तरीके से सीएसआर फंड काम नहीं करती है दोस्तों। आपको खुद से जो कंपनियां होती है उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके सीएसआर फंड के लिए रिक्वेस्ट डालना पड़ता है, या फिर ऑफलाइन भी अगर आप काम करते हैं तो फिर पर्टिकुलरली आपको या आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेंबर को ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स लेके
वो कंपनी का ऑफिस में पहुंचना पड़ता है, फाइल सबमिट करना पड़ता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगता है। सीएसआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इन डिटेल लिखा हुआ रहता है कि आपको जो फंड 2% अगर मिलता है तो उसका यूज आप कहाँ पे करेंगे, कौन सी एक्टिविटीज के ऊपर आप दिखाएंगे, क्या फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपका एनजीओ का बैलेंस शीट, इनकम टैक्स प्रूफ, ज्वेलरी एटीजी प्रूफ, नॉन टैक्सेबल या जहां से आपका टैक्स एग्जम्पशन हो सकता है, ये सारा डिटेल जमा करने के बाद दोस्तों फिर जाके सिलेक्शन किया जाता है कि कौन सा एनजीओ को वो 2% फंड दिया जाए, तब जाके सिलेक्शन होके वो फंड मिलता है दोस्तों। तो जो भी एक्टिविटीज है वो आपको खुद से करना पड़ता है, ना कि कोई बाहर से कोई कंसल्टेंसी आके आपको कॉल करके ऐसे फंसा के आपसे ये पैसा ले लेते हैं। और कोई भी सीएसआर फंड अगर आपको ऐसे करा भी देते हैं, हो सकते हैं कि वो आपके दोस्त है, रिश्तेदार है, कलीग है, अब जिन पे आप भरोसा करते हैं, अगर आप कराते भी हो दोस्तों इस तरीके से किसी को डॉक्यूमेंट दे के वो फंड दिला देंगे। एक चीज याद रखिए दोस्तों, कोई भी पेमेंट आप मत कीजिए जब तक आपके पास फंड आ नहीं जाता है, कोई भी पेमेंट आप मत कीजिए। और इस तरीके का कॉल सेंटर्स का जो कॉल से कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। कोई अगर ऐसा आपको दिलासा देता भी है तो आप प्लीज ऑफिस विजिट कीजिए, करके सारा डिटेल खुद से जांच लीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। तो फंड आपका एनजीओ में चाहे जितना भी जरूरत क्यों ना हो, प्लीज इस तरीके का जो ट्रैप है ये अवॉइड कीजिए। ये ठगी लोगों का ट्रैप जो है दोस्तों, ये आप अवॉइड कीजिए, तो फिर आप सेफ रह सकते हैं ये सीएसआर फंड को लेके। एंड दोस्तों तब तक आपका, अगर आपका एनजीओ में कोई भी डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेरीज है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड क्वेरीज है, तो फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सुजाता एसोसिएट में। हम लोग 12वें एटीजी सीएसआर नीति आयोग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसका फाइलिंग सब कंप्लीट हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और आप भी अगर इस तरीके का कोई ठगी का शिकार हुए हैं या फिर आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ स्कैम हुआ है तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए, या फिर इस बिलो कॉमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए, ताकि दूसरे और भी लोग थोड़ा सतर्क हो पाए, अलर्ट हो जाए, वो लोग भी सेफ रहे। तो दोस्तों इन द एंड मुझे यही बात बोलना है आपको कि अलर्ट रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।